इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती पिछले कई वर्षों से इंदौर में निवास कर रही थी और नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। दरअसल इंदौर का द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका का नाम ज्योति पिता मुनिया रोकड़े, उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। मृतका पिछले 7 वर्षों से इंदौर में रह रही थी और नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और एक निजी अस्पताल में नौकरी भी कर रही थी। मृतका के परिजन खरगोन जिले के केली में निवास करते हैं। परिजन पिछले 3 दिनों से ज्योति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ज्योति फोन नहीं उठा रही थी। शंका के चलते परिजनों ने अपने निकटतम रिश्तेदार को भेजा तो मृतका अपने कमरे पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। फिलहाल पुलिस आत्महत्या का कारण अज्ञात बता रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। क्या नाम था आपकी बेटी का? इधर ले लो ना, इधर संभालो। दादा क्या नाम था आपकी बच्ची का? बताओ बताओ, आप तो बताओ। ज्योति। ज्योति क्या कर लिया इन्हें आज? क्या सुसाइड कर लिया? अच्छा, कहाँ सुसाइड करा इन्हें? मेरे को कॉलोनी का नाम नहीं आता है। द्वारकापुरी में। घर पे करा इन्हें? हाँ घर पे। क्या काम करती थी ये? नर्स थी। कौन से अस्पताल में? ये तो नहीं मालूम है सर मेरे को। शादीशुदा थी ये? नहीं, कवारी थी। कब से इंदौर में रह रही थी? यहाँ पर नर्स काम कर रही थी? 5-6 साल से। अच्छा, किसी बात की कोई परेशानी, कुछ कारण आया हो? क्या मालूम, ये हमको पता नहीं है। आप लोग कहाँ रहते हैं? केले रहते हैं हम। खरगोन में? खरगोन। तो ये अकेले इंदौर में रहते? अकेले रहते थे हम। कैसे सूचना मिली थी आपको? हमको सूचना मिली थी, हमने फोन लगाया, फोन नहीं उठा रही थी वो, तो फिर हमारा उनके मामा का लड़के को हमने फोन लगाया, तो बेटा देख क्या वहाँ है, क्या हो रहा है, बहन क्यों नहीं फोन उठा रही है, तो वहाँ देखा तो लड़की हुई थी। किसी बात की कोई परेशानी कभी उन्होंने फोन पे बताई हो? कहीं नहीं, कुछ नहीं बताया। कोई शादी को लेकर कुछ नहीं बताया? आपको कोई संदेह हो किसी पे? नहीं, किसी पे नहीं, कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ये सबसे बड़ी थी क्या? नहीं, ये बीच वाली थी। अच्छा, दो लड़के थे घर में आपके? बस एक लड़का है। ठीक है, आपका नाम बता दो। मुनिया। मृतिका ज्योति, पिता मुनिया रोकड़े, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम केली खरगोन की। यहाँ पे कम से कम 4-5 साल से वो नर्सिंग का को कर रही थी महावीर हॉस्पिटल में। उसका आखिरी साल था यहाँ पे। और कल रात को हमें सूचना मिली कि लड़की ने फांसी लगा ली। अकेली रहती थी यहाँ कमरे में वो, उसका परिवार सारा खरगोन में रहता था। कुछ कारण आया इसका फांसी को लगाने? कुछ ज्ञात नहीं हुआ। हम लोग कमरे में गए थे तो अकेली लटकी हुई थी। कोई सुसाइड नोट मिला रात में? कम से कम 10-11 बजे की बात है। सुसाइड नोट मिला है? सुसाइड नोट कुछ नहीं। परिवार ने कुछ कारण बताया हो? हाँ, इसके माता पिता सब गांव में रहते हैंगे, यहाँ कोई भी नहीं रहता आएगा। सिर्फ एक सावेर वाला भाई था, उसने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं मिला उसको, तो वो यहाँ आके देखने लगा। उसके बाद उसने सूचना करी। आपका नाम बता दीजिए। बबीता।